सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी डिवाइसों के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि नवंबर मंथ में बहुत सारे डिवाइसों को एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का अपडेट और रियलमी वाई 5.0 का भी अपडेट रोल आउट होने वाला था। और रियलमी की ओर से मिड नवंबर से स्टार्टिंग हो चुका है अपडेट का, और सभी डिवाइसों को ऑफिशियली अपडेट रोल आउट होना भी स्टार्ट कर दिया है रियलमी ने। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से यूजर को कौन सा वर्जन का अपडेट रोल आउट किया जा रहा है इस मंथ का, और कौन कौन से डिवाइसों में रियलमी यू आई 4.0 के बाद रियलमी यू आई 5.0 और एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट देखने को मिलेगा, और बीटा वर्जन पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सबसे पहले बात कीजिए अपडेट के बारे में। इस मंथ का जो सबसे पहला अपडेट है वो रियलमी के नार्जो सीरीज के डिवाइस के लिए रोल आउट किया गया है। यदि आपके पास रियलमी देख रहे होंगे कि नार्जो 15 Pro 5G के डिवाइस है, जिस डिवाइस में 15 Pro 5G की डिवाइस है, तो इसमें आपको रियलमी की ओर से न्यू एक OTA अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको न्यू UI वर्जन देखने को मिल जा रहा है C.15 का। और ये C.15 का जो वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है वो बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे सबसे पहले एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है नवंबर मंथ का, आपको 2023 का न्यू सिक्योरिटी पैच सिस्टम का। इसके बाद आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम था उसको इम्प्रूव किया गया है सिस्टम को, और परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को भी इसमें इम्प्रूव करके स्टेबल किया गया है। तो सिस्टम के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो 100% फिक्स कर दिया गया है। अब बात कीजिए अगली डिवाइस जिसको अपडेट देखने को मिल रहा है, तो 9 सीरीज के यूजर बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि अपडेट कब मिलेगा, तो उनके लिए भी एक न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। यदि आपके पास रियलमी 9 Pro Plus 5G की डिवाइस है, तो इसमें नवंबर मंथ का न्यू OTA अपडेट रोल आउट किया गया है, जिसके अंदर आपको C.15 का वर्जन देखने को मिल रहा है, और इस वर्जन के अंदर आपको लेटेस्ट नवंबर मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जा रहा है, और साथ ही सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उसको 100% इसमें इम्प्रूव किया गया है और स्टेबल किया गया है। इसके बाद बात कीजिए अगली डिवाइस के बारे में, तो यदि आपके पास रियल मीनार जो 50 की डिवाइस है, इस डिवाइस में भी एक न्यू वर्जन का OTA अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, जिसका आपको UI वर्जन देखने को मिल रहा है ये 0.06 का। इसमें आपको न्यू एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है नवंबर मंथ का लेटेस्ट, और इसके बाद आपके डिवाइस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो सम इशू देखने को मिल रहे थे बग इशू, उसको फिक्स किया गया है। इसके बाद यदि आपके पास रियलमी 8 सीरीज की डिवाइस है, रियलमी 8i, तो रियलमी 8i के अंदर भी नवंबर मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच रोल आउट कर दिया गया है, जिसका वर्जन आपको यह 0.09 का देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर आपको जो सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा था उसको फिक्स किया गया है, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच इसमें भी आपको एक न्यू वर्जन का देखने को मिल जा रहा है। तो ये भी अपडेट आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसको भी आप जाके कर सकते हैं। अब बात कीजिए अदर डिवाइस जिनको अपडेट देखने को इस मंथ में मिलने वाला है UI 5.0 का, और किस डिवाइस को अपडेट देखने को मिला इस मंथ का लेटेस्ट अपडेट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास यदि रियलमी 9 4G की डिवाइस है, तो इसमें भी रियलमी UI 5.0 और एंड्रॉइड 14 का अपडेट से पहले एक UI वर्जन का OTA अपडेट देखने को मिल चुका है C.21 का। यानी इन डिवाइसों को अभी तक अपडेट इस मंथ में कम्प्लीट रियलमी की ओर से रोल आउट किया गया है, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है UI 5.0 का अपडेट, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कोई भी रियलमी की ओर से आपसे लिए अनाउंसमेंट आती है इस मंथ के UI 5.0 का अपडेट का, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा सबसे पहले।